हेलो डियर फ्रेंड्स, आई डॉक्टर शमशेर सिंह वेलकम टू यू ऑन माय फार्मा लर्निंग चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट एंड हाउ टू साइट द रेफरेंसिंग। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। इन द फर्स्ट पार्ट आई हैव डिस्कस विद यू दैट व्हाट आर रेफरेंसेस, व्हाई वी नीड रेफरेंसेस, and secondly which is the manual method of reference setting, that is directly by using Google or Google Scholar. So this part I have discussed with you. So today I am going to discuss with you that how you can set your reference by using EndNote and Zotero. So these are the software which are used for the reference setting in thesis as well as in review, research article or in some scientific literatures. So dear friends, what is EndNote? So this is a software that how you can download. I have shown here in one of the, you can say, screenshot has been taken, or in this part you can see that whenever you go to your laptop or your mobile, it is better if you use laptop. तो आपने लैपटॉप में क्या करना है, यू विल स्विच ऑन योर लैपटॉप एंड देन यू विल सर्च द गूगल। सो ऑन द गूगल यू विल सर्च दैट EndNote डाउनलोड, तो आपको वहां पे सर्च करना है डाउनलोडिंग ऑफ EndNote। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ऐसे मटेरियल दिखाई देगा, EndNote फ्री डाउनलोड फॉर विंडो लाइक दैट। तो आपका जो भी विंडो होगा उसके अकॉर्डिंग आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। एंड वंस यू विल डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर, यू विल रजिस्टर एंड यू विल ओपन इट। आप इसको ओपन करें और आप जब इसको ओपन करते हैं तो इट विल लुक लाइक दिस। सो एट द इनिशियल लेवल दिस विल नॉट बी अवेलेबल, लाइक ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं रेफरेंसेस, बिकॉज दैट यू कैन ऐड, और आइदर इफ यू आर यूजिंग प्रीवियसली और यू आर यूजिंग इन द लैपटॉप ऑफ समबॉडी एल्स, आपके फ्रेंड के लैपटॉप में पड़ा हुआ है, तो आप उसके देखें कि ऐसे आपको रेफरेंसेस दिखाई देंगे। तो ये जो EndNote है, आज मैं आपको बताने आ रहा हूँ, इट इज़ ए वेरी वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर। द रीज़न इट इज़ नॉट रिक्वायरिंग एनी मैनुअल सेटिंग, इसमें आपको मैनुअल सेटिंग करने का इतना ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप इसको कैसे रेफरेंस को सेट कर सकते हैं। सो लेट्स फ्रेंड वी विल गो फर्दर एंड वी विल डिस्कस हेयर that there are number of ways। अगर आप EndNote को देखें at the initial level, तो बहुत से method हैं जिससे आप reference को set कर सकते हैं। So firstly you will click and go to the EndNote, आप अपने EndNote को open करें। Whenever you will open, जब आप इसको open करेंगे तो कई बार क्या होता है, if you have not used previously, तो हो सकता है आपको ये बोले कि यू विल रजिस्टर्ड फॉर इट, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़े। तो वेन एवर यू विल ओपन, यू विल सिलेक्ट द पर्टिकुलर मैटर। आपके पास कोई भी वर्ड फाइल पे एक मैटर पड़ा हुआ है, सपोज दिस इज द वर्ड फाइल इन योर लैपटॉप, यू हैव रिटन फ्यू लाइंस अबाउट एनी डिजीज और एनी थिंग अबाउट रिलेटेड टू योर थीसिस एंड रिलेटेड योर रिव्यू एंड रिसर्च पेपर, आपने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, आप उसको एक जो मेन पॉइंट है जिसमें कि आपका मेजर कीवर्ड है या जिसके ऊपर आप फोकस रखना चाहते हो, उस पार्ट को आप कॉपी करें। एंड व्हेन एवर यू कॉपी इट, देन यू विल कीप इट ऑन द, यू कैन से, गूगल स्कॉलर। तो आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यू कैन गो टू डायरेक्टली टू द गूगल स्कॉलर। सो यू विल कंट्रोल सी, दैट मीन डायरेक्टली आप कॉपी करेंगे, एंड कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे ऑन द गूगल स्कॉलर। सो व्हेन एवर यू विल डू दिस, लाइकली व्हाट यू विल फाउंड देयर, यू विल फाउंड देयर सो मैनी रेफरेंसेस ऑन द गूगल स्कॉलर। आपको क्या मिलेगा वहां पे गूगल स्कॉलर पे, जब आप सर्च करते हैं ऐसे, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं। सो आफ्टर वंस यू गो डाउन एट द लोएस्ट साइड, देयर दे रिटर्न रेफमैन EndNote लाइक दैट। सो यू विल पर्टिकुलरली सिलेक्ट द पर्टिकुलर रेफरेंस एंड यू विल क्लिक ऑन द EndNote। सो वेन एवर यू विल क्लिक ऑन द EndNote, सो वट विल हैपन, द पर्टिकुलर फाइल विच यू वॉन्ट टू टेक विल बी डाउनलोडेड। तो जब आपका वो फाइल डाउनलोडेड होता है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ हाउ यू कैन डू दिस। सपोज यू हैव टेकन दिस लाइन,
दिस इज रिटन दैट दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये कोई आर्टिकल है, तो इसमें लिखा हुआ है कि न्यूरो डिजेनरेशन एंड डिफरेंट इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स कंट्रीब्यूट टू कॉग्निटिव डिसफंक्शंस। तो आपने मान लो इस लाइन को कॉपी किया, आफ्टर वंस यू कॉपी यू ओपन द गूगल स्कॉलर, आपने अपनी गूगल टैब पे एक न्यू टैब को ओपन किया और उस पर क्या किया, गूगल स्कॉलर को ओपन किया। जब आपने इसको ओपन करना है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इस लाइन को यहाँ पे कॉपी करना है। सो व्हेन यू कॉपी दिस दिस ऑल द मटेरियल विल बी ओपन। ऐसे आपको बहुत से ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे, कुछ बुक्स मिलेंगी, जहाँ कुछ और लिटरेचर आपको जो कि विच इज़ सिमिलर लाइक योर दिस पर्टिकुलर लाइन, दैट मीन विच इज़ द कंटेंट दिस विच यू वॉन्ट टू सर्च, दिस माइट बी शोइंग रिजेम्बलेंस और सिमिलैरिटी विद दिस पर्टिकुलर मैटर। तो इसके साथ आपका वो मैच करेगा। अब जब वो उसको मैच करता है तो आप इसको साइट करें, यू विल गो फॉर द साइट। वेन एवर यू विल साइट दिस टाइप ऑफ दी, यू कैन से स्टाइल ऑफ योर रेफरेंसेस विल बी ओपन, MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड, वैनकोवर। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट वन में कि ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है जो रेफरेंसेस स्टाइल है वो मिलेंगे, कुछ वैनकोवर में होंगे, कुछ हार्वर्ड में होंगे, कुछ शिकागो में होंगे। तो ये आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है जिसके अकॉर्डिंग कि यू नीड टू सबमिट योर पेपर। सपोज आपने किसी जर्नल में सेलेक्ट किया है, यू वॉन्ट टू सबमिट योर पेपर इन ए पर्टिकुलर जर्नल, तो उसका जो ऑथर गाइडलाइन है यू विल चेक इट, और आइदर यू विल डाउनलोड द प्रीवियसली पब्लिश्ड पेपर ऑफ दिस जर्नल। तो उसमें आपको सिंपली इट विल बी क्लियर टू यू कि ये कैसे रेफरेंस स्टाइल मांगते हैं, टेक्स्ट में नंबरिंग मांगते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में मांगते हैं, या साइंटिफिक नेम से साइट करते हैं, या लास्ट पे इन्होंने कौन सा स्टाइल इनमें से चूज किया है। तो वेन एवर यू विल पर्टिकुलरली चूज और यू विल क्लिक ऑन द एंड नोट, तो दिस पर्टिकुलरली फाइल विल बी डाउनलोडेड, दिस एंड नोट X7 माई एंड नोट लाइब्रेरी। सो दिस विल गो टू द लाइब्रेरी साइट ऑफ योर एंड नोट, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर तो पहले से ही रजिस्टर्ड किया था, ओपन किया था, अब आपने गूगल स्कॉलर पे सर्च किया, आपको ये मिला, एंड नोट पे गए और आपके पास एक फाइल आ गया। जब आप उस फाइल को ओपन करेंगे, वेन एवर यू ओपन दिस फाइल पर्टिकुलर फाइल, सो दिस विल लुक लाइक दिस, आपको ऐसे एक लाइब्रेरी में फाइल मिलेगा, ये उसका रेफरेंस है पर्टिकुलर जो आपने फाइल ओपन किया, और ये उसका क्या है, एक लाइन मिलेगा आपको रेफरेंस का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यू विल क्लिक ओवर हेयर। वेन एवर यू विल क्लिक ओवर हेयर देन यू गो टू योर दैट पर्टिकुलर वर्ड पेज। तो अब आपको मैं सिंपल पाथवे में बता रहा हूँ पहले आपने क्या किया, सो इट इज़ वेरी सिंपली दैट यू कैन अंडरस्टैंड, इवन दो फ्रॉम द स्लाइड्स यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, बट आई विल एक्सप्लेन इन ए वेरी इजी वे। तो आपने पहले क्या किया, अपना वर्ड फाइल लिया जो भी आपके लैपटॉप पे ओपन था, आपका पेपर था, थीसिस था या कुछ भी था, जब आपने उसकी एक लाइन सेलेक्ट की, देन यू पुट दिस लाइन ऑन ए न्यू टैब विच यू हैव ओपन, दैट इज गूगल स्कॉलर। आपने गूगल स्कॉलर भरा, ऐसे क्लिक किया और नीचे आया गूगल स्कॉलर आया, इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो न्यू विंडो में आपके पास एक ऐसे ओपन टैब आ गया। तो उस टैब में आपने क्या किया, ये जो लाइन थी उसको कॉपी कर दिया, यू कॉपी दिस लाइन हेयर। वेन एवर यू कॉपी दिस लाइन पर्टिकुलरली यू कॉपी हेयर, दिस विल लुक लाइक दिस। तो आपको यहाँ पे बहुत से रेफरेंसेस दिखाई देंगे। अब आपने क्या किया, यू विल साइट दैट पर्टिकुलर रेफरेंस, यहाँ पे देखो डबल कोमा लगा रखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये साइट हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा आपका। जब आप साइट पे जाएंगे, वेन एवर यू गो टू साइट, तो साइट के बाद आपके पास ये रेफरेंस स्टाइल आ जाएगा, MLA, APA, लाइक दैट, सो मैनी स्टाइल विल बी विजिबल। सो यू गो टू एंड नोट, दैट पर्टिकुलर जो साइट किया आपने, दैट फाइल विल बी डाउनलोडेड, एंड जो डाउनलोड दिस फाइल जो आपने डाउनलोड किया है वो फाइल किसका है, वो एंड नोट लाइब्रेरी का फाइल है। सो इसका मतलब वो एंड नोट की लाइब्रेरी में चला गया, और आपको उसको क्या करना है, उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। वेन एवर यू गिव ए डबल क्लिक ओवर हेयर, दिस पर्टिकुलर एंड नोट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली शो यू दिस थिंग, आपको ये दिखाई देगा। जब आपको ये दिखाई देगा तो इसमें ऐसे एक रेफरेंस होगा जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, देन आप क्या करेंगे, जिस आपने टैब पे सपोज यहाँ से क्लिक किया, आपने क्लिक करने के बाद क्या करना, अपना आपका लाइन था यहाँ पे जिसको आपने कॉपी किया था, तो यहाँ पे फुल स्टॉप के पास आप इसका जब
क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इट विल गिव ए नंबर हेयर, दैट इज द फर्स्ट नंबर रेफरेंस, एंड द फुल रेफरेंस विल बी अपेयर एट द एंड ऑफ दिस शीट। आपको यहाँ पे एक फुल रेफरेंस दिखाई देगा। तो इसका बहुत सिंपल सा मेथड है। आपको मैं ये बताऊं कि अब इसका बेनिफिट क्या, आपको इफ यू विल यूज नॉट ए मैनुअल मेथड, अगर आप एंड नोट मेथड यूज करते हैं तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट। इसका बहुत सा आपको बेनिफिट है। सपोज मैं आपको अगर बताऊं कि आपने एक पेपर को सबमिट किया, सपोज इन एनी जर्नल, सपोज जर्नल ऑफ न्यूरोकेमिस्ट्री, और यू हैव सबमिटेड इनटू द जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस, और जर्नल ऑफ यू कैन से बायोकेमिस्ट्री, लाइक दैट। आपने इसमें पेपर सबमिट किया, अब उन्होंने क्या किया, दे यू हैव सेंड यू रिप्लाई कि वी आर अनएबल टू एक्सेप्ट योर पेपर ड्यू टू सम रीजंस। उन्होंने कुछ रीजन बता दिए कि हमारे पास स्पेस नहीं था, या हमारा एरिया आपसे मैच नहीं करता, या कुछ भी प्रॉब्लम उन्होंने बता दी। अब आपके पास ये प्रॉब्लम है कि यू आर नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम वन पब्लिशर टू अनदर। आप क्या करना चाहते हो, आप एल्सवेयर से जाना चाहते हो, कहाँ, बेंथम में, जहाँ ब्रिटिश जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी में, जहाँ आप जाना चाहते हो वॉल्टर वॉकर में, तो किसी और में, टेलर फ्रांसिस में, आप किसी और में पेपर सबमिट करना चाहते हो। इसका मतलब अब यहाँ पे जो आपका स्टाइल था टेक्स्ट में, जो आपने टेक्स्ट में दिया था, यहाँ तो नंबर दे दिया था इसने, अब आपको वहाँ पे चाहिए ऑन द नेम ऑफ दी दैट पर्टिकुलर ऑथर। तो इस चीज़ को आप सॉफ्टवेयर में ऑन द बेसिस ऑफ नेम भी कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर नेम। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट भी करना होगा कि इफ़ यू वांट टू टेक ऑथर, तो ऑथर नेम के अकॉर्डिंग लें, जहाँ न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल फॉर्म में लें। अब आपको ये चाहिए, ठीक है, आपका सेकंड जो पब्लिशर था उसने देखा कि आपका ये भी अंदर जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो बट प्रॉब्लम क्या, जो नीचे रेफरेंस स्टाइल है इट इज़ डिफरेंट, जहाँ आपने क्या करना है, अब ये रेफरेंस को चेंज करना है, यू वांट टू सेलेक्ट सम अदर। तो मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो इसने नंबर दे दिया आपको, और नीचे उसका फुल रेफरेंस दे दिया ऐसे। तो अब आपको इस रेफरेंस को चेंज करना चाहते हो, बट बाकी जितने हैं उसको आप चेंज नहीं करना चाहते, तो आप क्या करोगे, व्हेन एवर यू डिलीट दिस, दिस सेकेंड रेफरेंस विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एंड नोट विच इज नॉट बी यूजफुल इन मैनुअल मेथड। मैनुअल में आपको क्या करना होगा, इसको भी डिलीट करना होगा और इसको भी सेल्फ डिलीट करना होगा। यू विल स्क्रोल डाउन, नीचे जाएंगे और इसको बाद में डिलीट करेंगे। तो इसका बेनिफिट, अगर आप इसको डिलीट करते हो ये भी डिलीटेड है, अगर इसको करते हो तो ये भी डिलीटेड है। सो इट मीन इट इज़ हैविंग ए गुड एप्लीकेशन। सो इट विल रिड्यूस योर टाइम कंजप्शन, जो आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको ये रिड्यूस करता है, इसीलिए ये एक बेनिफिशियल मेथड है। सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द एंड नोट। आप इसको थीसिस में यूज कर सकते हैं, रिसर्च पेपर में, रिव्यू पेपर में, और साइंटिफिक रिपोर्ट्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सेकेंड पार्ट है, जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, इट इज़ अगेन ए वन ऑफ द गुड सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है विच यू कैन यूज, एंड इट इज ऑल्सो हैविंग ए वाइड एप्लीकेशन। तो इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है। सो जोटीरो जो है, इट इज़ द मोस्ट बेसिक फ्रीली अवेलेबल रेफरेंसिंग एप्लीकेशन। जैसे आपने एंड नोट को यहाँ पे डाउनलोड किया था बाय गोइंग टू द गूगल, ऐसे ही आप क्या करें, जोटीरो डाउनलोड, आप इसको भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, लाइकली यू हैव डाउनलोड द एंड नोट। तो ये भी फॉर द सेम पर्पस, बुक्स में रेफरेंस सेट करना है आपको, जहाँ आपको किसी रिव्यू रिसर्च पेपर में रेफरेंस को सेट करना है, जहाँ आपको अपनी थीसिस में रेफरेंस को सेट करना है, यू कैन यूज़ दिस सॉफ्टवेयर। नाउ हाउ टू यूज़, आई विल डिस्कस विद यू दैट। फर्स्टली व्हेन एवर यू गो फॉर द डाउनलोड, देन दिस टाइप ऑफ द यू कैन से पर्टिकुलरली डाउनलोडिंग विल बी अवेलेबल। आप जब इसको गूगल में भरते हैं तो ऐसे आपको फर्स्ट पेज दिखाई देता है ऑन द गूगल साइट। तो उस साइट में क्या रहता है, आपको ऐसे दिखता है डाउनलोड इट। तो जब इसको डाउनलोड करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी डाउनलोडेड एंड इट इंस्टॉल द क्रोम कनेक्टर। कई बार क्या होता है, कुछ लैपटॉप्स में इट इज़ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू योर क्रोम, क्योंकि आप सर्च तो कहाँ कर रहे हैं, गूगल पे, आप यहाँ गूगल पे सर्च कर रहे हैं। तो इट मीन व्हेन एवर इट विल बी डाउनलोड, इट विल बी हैविंग ए डायरेक्ट लिंक विद द गूगल क्रोम। तो जिस गूगल क्रोम को, जहाँ आप कुछ और मोज़िला यूज़ करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उसके साथ ये कनेक्ट करेगा। अगर नहीं है तो मैं एक वीडियो में बताऊँगा, यू कैन कनेक्ट इट वेरी वेल।
जब ये करेंगे आप, तो उसके बाद एक आपको ऐसा विंडो दिखाई देगा, क्योंकि आपने इसको डाउनलोड किया। आफ्टर वंस यू हैव डाउनलोडेड इट, डाउनलोड करने के बाद क्या हुआ, आपने इसको रजिस्टर्ड किया, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन मांगता है कई बार ये, अगर नहीं है तो ऐसा ओपन करने पे आपको ऐसा दिखाई देगा, माई पब्लिकेशन जोटीरो, फाइल, एडिट, व्यू, टूल, माई लाइब्रेरी, माई पब्लिशर, डुप्लीकेट आइटम, अनफील्ड आइटम, ट्रैश लाइक दैट। तो ये एज लाइक ए एंड नोट, इट विल बी विजिबल टू, बट इट इज़ ए जोटीरो सॉफ्टवेयर। अब इसको आपने यूज़ कैसे करना है, सो आई विल टेल यू फर्स्ट थिंग व्हाट आर द स्टेप दैट हाउ यू कैन यूज़। फर्स्टली यू डाउनलोड जोटीरो, तो मैंने आपको ये बता दिया, यू गो टू गूगल साइट, देन डाउनलोड इट। जब आपने इसको डाउनलोड करना है, देन इट विल बी अवेलेबल इन योर डाउनलोड साइट, जो आपका लैपटॉप में डाउनलोड का पर्टिकुलर साइट होगा उस पर ये अवेलेबल होगा। आप इसको क्या करें, डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करें और इसको ओपन करें। वेन एवर यू ओपन दिस, सो दिस टाइप ऑफ दी पर्टिकुलरली यू कैन से यू विल लुक दिस टाइप ऑफ दी सॉफ्टवेयर, यू कैन से पिक विल बी अवेलेबल देयर। सो ऐसा आपको सॉफ्टवेयर दिखाई देगा। जब आप इसको देखें तो यहाँ पे स्टेप टू है कन्फिगर लाइब्रेरी कलेक्शन। अब सेकंड पार्ट क्या रहता है, आप इस लाइब्रेरी में कुछ आप फोल्डर बनाना चाहते हैं। सपोज अगर आप यहाँ पे फोल्डर बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है माई पब्लिकेशन, यू कैन राइट एनीथिंग, अपना नाम लिख सकते हैं, कोई भी फोल्डर का नाम दे सकते हैं, दैट इज थीसिस 2022, थीसिस 2019, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं यहाँ फोल्डर पे आप इसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, फर्स्टली रेफरेंसेस एडेड वाया वेब, जैसे आपको मैंने बताया, सपोज आप दो मेथड रहते हैं, आपने जो भी एक थ्योरेटिकल पार्ट लिखा था यहाँ पे वर्ड शीट पे अपने लैपटॉप में, उसके आगे अगर आपने कोई प्रीवियस रेफरेंसेस सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि कई बार क्या करते हैं कुछ लोग रिव्यू पेपर्स लिखते हैं और लिखने के बाद यहाँ पे 1, 2, 3 लाइक दैट वो प्रीवियसली नंबर देते हैं कि इनके पास, इसका मतलब ये रेफरेंसेस ऑलरेडी इनके लैपटॉप में अवेलेबल हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे नेवर राइट दिस एनीथिंग, दे ओनली राइट देयर पेपर एंड एट द लास्ट स्टेज दे सेट द रेफरेंसेज। सो दैट मीन वेन एवर दे नॉट डू दिस, देन दे विल कॉपी दिस लाइन टू गूगल स्कॉलर, सेम मेथड लाइक एंड नोट, आप कॉपी करें लाइन को गूगल स्कॉलर पे, और गूगल स्कॉलर पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स और बुक्स विल बी शोन टू यू, आपको ऐसा ही सेम दिखाई देगा जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो जब आप इस पे जाएंगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा गूगल स्कॉलर पे, और सेम लाइक दिस। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें मेजर जो है कि वेन एवर यू विल गूगल स्कॉलर पेपर, देन विल राइट साइड, आप इसके क्या करेंगे, यहाँ पर राइट साइड पे यहाँ पे एक साइन क्लिक करेंगे आप, ये जो ऑल फील्ड एंड टैग्स, तो जब इसको साइन को आप क्लिक करते हैं, ये जो साइन अवेलेबल है, तो वेन एवर यू क्लिक ओवर दी जोटेरो लेबल, वहाँ पर जो लेबल लगा दिया मैंने यहाँ पे, आपको इजिली यू कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पे एक साइन दिखेगा आपको सॉफ्टवेयर पे, देन यू क्लिक ओवर हेयर, व्हेन यू क्लिक ओवर हेयर ओपन जोटीरो शोइंग बिलो, तो फाइल एक नीचे आपको डाउनलोड हो जाएगा जहाँ आपको नीचे एक फाइल दिखाई देगा। सो वेन एवर इट विल बी शोन एट द लोअर साइड, सो इट विल बी द सेम आर्टिकल जिसको आपने क्लिक किया था पहले, साइट किया था, ये वही आर्टिकल है जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। सो यू विल सेलेक्ट फ्रॉम दी बॉक्स, आप उसको बॉक्स को सिलेक्ट करें जो नीचे आपका डाउनलोड है जहाँ दिखाई दे रहा है, एंड प्रेस ओके, आप उसको ओके कर दें। नाउ राइट साइड जो टीरो लेबल जो है, ये आपको क्या करेगा, ये जो साइड है ये डाउनलोड, यहाँ पे एक फाइल को, इट विल डाउनलोड दैट पर्टिकुलर फाइल। Now Zotero folder show you article downloaded. तो यहाँ पे जो आपका ये folder है my publication, जहाँ आपने जो भी इसको नाम दिया है, then it will shown, जब इसको आप open करते हैं तो आप इसको देखें तो इसमें आपको एक reference दिखाई देगा। So whenever you will see this reference, what you will do, you can use, जब आपने ये folder देखा, from this you will open this folder, आपको एक reference दिखाई दिया यहाँ पे, आप उस रेफरेंस को क्लिक करें, देन यू गो टू योर वर्ड फाइल, लाइकली दी एंड नोट, तो वो क्या होगा, सेम लाइकली इट विल गिव ए नंबर हेयर एंड फुल रेफरेंस विल बी अवेलेबल एट द लोअर साइड। तो इसके आपका लोअर साइड पे एक रेफरेंस आ जाएगा। सो दिस इज द
First method I have discussed with you, because there are 3 to 4 method of Zotero that you can use. So this is the first method, which is mostly similar like EndNote. ये mostly procedure उसके साथ similarity है. Only the particular software is different. Now this is the second method. Second is PDF method. इसका मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि कुछ लोग क्या करते हैं, whenever they want to write any article, तो वो आर्टिकल लिखने के लिए कुछ पेपर्स को डाउनलोड करते हैं. माइट बी दे डाउनलोडेड 25, 50 और 100, कितने भी किए होंगे उन्होंने. तो इसका मतलब दीज आर पीडीएफ ऑफ द पब्लिश्ड पेपर, जो उन्होंने रीड किया और जिसको वो लेके आगे अपना रिव्यू रिसर्च जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज ए पीडीएफ मेथड. सो शिफ्ट पीडीएफ डायरेक्टली फ्रॉम डेस्कटॉप फोल्डर टू Zotero. इसका मतलब आप क्या करेंगे, जो जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, इसकी इस साइड आपका डेस्कटॉप होगा. इस विंडो को आप थोड़ा सा छोटा कर लें, मिनिमाइज कर लें. जब इसको आप मिनिमाइज करेंगे तो इस साइड आपको अपना डेस्कटॉप दिखाई देगा लैपटॉप का. अब जो वहाँ पे पेपर आपका पड़ा है उसको डायरेक्टली राइट क्लिक करके यहाँ पे इस एरिया में ले आए, पर्टिकुलरली ऑन द सेंट्रल स्पेस ऑफ द Zotero. जब आप इसको यहाँ ले आएंगे, वन बाय वन ऐड मोर आर्टिकल. अब आपने यहाँ पे 10 ऐड करने हैं, डेस्कटॉप से उठाया Zotero में डाल दिया, 1, 2, 3, 4 लाइक. तो आपने कितने भी आर्टिकल पीडीएफ फॉर्म जो थी उसको वहाँ पे ऐड कर दिया. नाउ आफ्टर एडिंग, सो व्हाट इट विल बी देयर, इट विल अगेन शोन द रेफरेंस इन द लाइब्रेरी साइट. तो ये इसका एक रेफरेंस फॉर्मेट आपको लाइब्रेरी साइट में दिखाई देगा, जिसको कि आप अपने टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं. द थर्ड मैथड इज ऑन द बेसिस ऑफ DOI ID. तो आपको पता होगा डियर फ्रेंड, जब भी आप पेपर पब्लिश करते हैं तो कई बार जब प्रेस से पेपर आपका रिलीज होता है, क्योंकि आप जर्नल में पेपर सबमिट किया आपने और सबमिशन के बाद आपको मेल आ जाता है कि योर पेपर इज एक्सेप्टेड, नो वी सेंड इट फॉर द पब्लिकेशन टू द पब्लिशर एंड पब्लिशर अगेन विल सेंड टू यू फॉर प्रूफिंग. तो आप उसका प्रूफ करें, देखें कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, बिकॉज आफ्टर प्रूफिंग जो भी होगा वो पब्लिश हो जाएगा, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज एनीथिंग. तो आपने क्या किया, जब आपको मेल आया तो उसके आफ्टर फ्यू डेज आपके पास एक ऑनलाइन अवेलेबल पेपर आ जाता है, जहाँ आपके पास एक मेल पे लिंक आ जाता है. जब उसको ओपन करते हैं तो आपका पेपर का वहाँ पे DOI नंबर होता है. तो इसका मेथड सिंपल क्या है, थर्ड मेथड, क्लिक ऑन द बॉक्स लुक लाइक ए पेन. अब मैं आपको यहाँ बता दूँ दोस्तों कि ये देखो कि यहाँ पे एक शेप दिखाई दे रही है जो सेकंड पोजीशन पे है. सो इट इज़ लुकिंग लाइक ए पेन. जैसे आप पेंट ओपन करते हैं अपने लैपटॉप में, आपने कुछ भी पिक को पेंट करना है तो पेंट के लिए आप ब्रश यूज़ करते हैं, कोई ना कोई ब्रश होता है थिन और थिक और लाइक, जितना भी साइज आप लेना चाहते हो. ऐसा एक पेन शेप का ये है, पर्टिकुलरली एक पॉइंट है जिसके ऊपर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. जैसे इन्होंने बताया, क्लिक ऑन द बॉक्स लुक लाइक ए पेन, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ऐड ए कॉपी, देन व्हाट यू विल डू, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉलम आ जाएगा, उसके अंदर आप DOI नंबर जो है वो डाल देंगे. तो जब आप उसमें DOI नंबर डालते हैं, देन इट डायरेक्टली नंबर टू बॉक्स डालते हैं, देन इट डायरेक्टली गो टू द गूगल स्कॉलर. तो वहाँ पे वो क्या होता है, गूगल स्कॉलर पे चला जाता है. देन फ्रॉम द गूगल स्कॉलर आप क्या करते हो, उसको साइट करते हो. साइट करने के बाद ए फाइल विल बी डाउनलोडेड सम टाइम, एंड दैट फाइल अगेन विल बी ओपन इन दिस Zotero पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर, एंड दैट सॉफ्टवेयर अगेन लाइक ए एंड नोट. आप उसको क्या करेंगे, जब आपका वो फाइल यहाँ ओपन होगा तो आप उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करके बाद में आप उसको वर्ड फाइल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल अल्टर टू कर देंगे, देन इट विल गो देयर. तो यहाँ पे आपका एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा और नीचे आपका फुल रेफरेंस आ जाएगा जिस भी पेपर को आप लेना चाहते हैं. तो दोस्तों ये दो सॉफ्टवेयर मैंने आज आपको बता दिए, एक मैनुअल मेथड बता दिए. सो देयर आर पर्टिकुलरली 3 मेथड विच आर यूज. तो आप इनका जरूर यूज़ करें और इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें. इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं आपको एक नया वीडियो और बताऊंगा कि दैट व्हाट इज द रोल ऑफ एसिडिटी. लोगों को एसिडिटी कैसे होती है, एसिडिटी को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग विदाउट एनी ड्रग्स,
और ड्रग्स का क्या रोल रहता है, तो उसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।